जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। 108 हनुमान चालीसा पढ़ने का समय जो है वो अब की बार ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि रविवार को एकादशी तिथि पुष्य नक्षत्र होने से ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं 108 हनुमान चालीसा चतुर्दशी वाले दिन, उससे भी कहीं ज़्यादा फलदायक असरदार रहेगा। पुष्य नक्षत्र जब भी गुरुवार या रविवार को पड़ता है तो उसका फल अद्वितीय हो जाता है, काफ़ी असरदार फलदायक हो जाता है। तो ये संयोग 13 सितंबर 2020 को हो रहा है, एकादशी तिथि के दिन 4:34 सायंकाल, शाम को 4:34 के बाद से पुष्य नक्षत्र लगेगा, जो कि अगले दिन 14 सितंबर 2020 तक सायंकाल 3:30 बजे तक रहेगा। तो जो भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं वो अवश्य 108 हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। रात्रि में पढ़ेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। इस समय विशेष सावधानी ये रखनी है 108 हनुमान चालीसा पढ़ने में, श्राद्ध का ये समय चल रहा है तो मूक भाषा का प्रयोग करते हुए अर्थात मन में ही आपको पढ़नी है, उच्च स्वर में नहीं पढ़ना है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आसन बिछाकर, उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके, बाकी और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। पितरों की सेवा करना चाहते हैं, पितृ स्तोत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो ये जरूर कीजिएगा। पुष्य नक्षत्र है, एकादशी तिथि है, रविवार है, तीनों का अद्भुत संयोग है। दान भी करोगे तो भी करोड़ गुना फल मिलेगा, जप करोगे तो भी करोड़ गुना फल मिलेगा, ध्यान प्राणायाम करोड़ गुना फल देने वाले होंगे, दान करोड़ गुना फल देने वाला होगा, तो जरूर कीजिएगा। पितरों के निमित्त दान तप जो भी आप करें, हवन भी कर सकते हैं, अमोघ फल उसका आपको मिलेगा, तो बस जरूर कीजिएगा पाठ। आप ये आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, विनती आपसे एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, सेवा करनी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो ज़रूर यदि आपके दुर्भावों यानी कि जो आपके राहु की, केतु की, शनि की 6, 7, 8, 12 की अगर दशा चल रही है तो भी आप मंदिर में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी दशाओं में क्या है, स्वास्थ्य दोष उत्पन्न हो जाता है, मन शांत नहीं रहता, तो आप भगवान के मंदिर में भी जाकर पाठ कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।